अब लोडिंग पॉइंट पर नहीं चलेगी गुंडागर्दी, धनबाद पुलिस और सीआईएसएफ करेगी ज्वाइंट कार्रवाई। विभिन्न आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ साथ लोडिंग पॉइंट पर वर्चस्व को लेकर आए दिन होने वाली गोलीबारी, फायरिंग और बमबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए धनबाद पुलिस ने अब कमर कस लिया है। इसी क्रम में बुधवार को धनबाद एसएसपी कार्यालय में डीआईजी सीआईएसएफ विनय काजला, सभी एरिया क्षेत्र के जीएम एवं अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्र से कोयले की हो रही लूट एवं चोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने को लेकर आने वाली समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई एवं एक दूसरे के सहयोग से शहर एवं लोडिंग पॉइंट और आउटसोर्सिंग कंपनियों के कार्यस्थल पर कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने बताया कि प्रभावी रूप से जिले में अवैध कोयला खनन, ट्रांसपोर्टिंग एवं तस्करी के साथ साथ लोडिंग पॉइंट पर आए दिन होने वाले मारपीट, बमबाजी, गोलीबारी और फायरिंग आदि की समस्याओं पर रोक लगाने के लिए आज एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोडिंग पॉइंट पर बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनियों एवं सीआईएसएफ को विधि व्यवस्था संधारण में होने वाली परेशानियों पर विस्तृत चर्चा हुई और भविष्य में सभी के सहयोग से वहां की विधि व्यवस्था ठीक रखने के साथ साथ अवैध कोयला चोरी एवं उसके ट्रांसपोर्टिंग पर लगाम लगाने के लिए रणनीति के साथ काम करने पर सहमति बने। इसके अलावा वैसे आपराधिक चरित्र के लोग जिनके ऊपर 3 संगीन धाराएं लगा चुकी है, फिर दर्ज हो चुका है, उन सभी लोगों पर नए सिरे से सीसीए लगाने की अनुशंसा भी की गई। वैसे दुर्दांत अपराधी या अपराधी छवि वाले लोग जो जेल से छुटकार आए हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। आज धनबाद में, धनबाद एक कोयला का राजधानी है, कोयला को लेकर हमेशा यहाँ पे कुछ कुछ समस्याएं रहते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां का कुछ कुछ समस्या रहती है, बीसीसीएल का कुछ कुछ समस्या रहती है, उसमें पुलिस का भी कुछ कुछ समस्या है, बीसीसीएल का है। ये सबका एक पहली सबके साथ एक सब स्टेक होल्डर के साथ आज एक मीटिंग यहाँ पे किया है। इसका मेन कारण यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति को ठीक रखने के लिए और धनबाद में एक सुजारू एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए, जहाँ बीसीसीएल अपना काम, आउटसोर्सिंग कंपनी अपना काम अच्छा से करे, उसी को लेकर एक अच्छा एक कोऑर्डिनेशन का जरूरत था। कोऑर्डिनेशन के लिए आज यहाँ पे सबको बुलाया, सबका समस्याएं सुना, पुलिस के क्या क्या एजेंडा है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, हम लोगों का भी कुछ पॉइंट हम लोग बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग वाला और सीएसएफ को हम लोग दे दिया, उन लोगों का भी समस्या सुना। ये इस बार हम पहली बार मीटिंग किया है, अभी इस टाइप का मीटिंग हम लोग बार बार करेंगे, थाना लेवल पे और एसडीपीओ लेवल पे भी इसे मीटिंग करेंगे। इसका मेन उद्देश्य है कि पिछले 2 महीने में कुछ कुछ आउटसोर्सिंग के जगह पर वर्चस्व को लेकर कुछ कुछ लड़ाई हुआ था, इस लड़ाई को खत्म करना और धनबाद का विधि व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए हम लोग आज मीटिंग किया है। मुख्यतः बेसिकली बीसीसीएल का और आउटसोर्सिंग कंपनियां का जो भी समस्या है, उन लोगों का एरिया स्पेसिफिक 12 एरिया का जीएम और 12 एरिया में काम करने वाले आउटसोर्सिंग कंपनी लोग आया हुआ था, उन लोगों का समस्या का हम लोग नोट डाउन किया है। स्पेसिफिकली इन लोगों का कुछ कुछ समस्या है, कुछ कुछ सामूहिक समस्या है, उसके बाद एक सोल्यूशन हम लोग इन लोगों के साथ मिलकर हम लोग एक रणनीति तय किया है और रणनीति के आधार पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक सीएसएफ का डीएजी साहब भी आया हुआ था और डीटी जो संजय कुमार है वो भी इस मीटिंग में आया हुआ था। जैसे कि मेरा प्राइम फोकस कोयला चोरी को रोकना और उसके साथ साथ धनबाद का विधि व्यवस्था है। विगत दिन में जो 2-3 घटना घटा है, इसके कारण वर्चस्व को लेकर लड़ाई है, कुछ क्रिमिनल लोगों के द्वारा काम करने के आड़ पर बीसीसीएल के बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनियां में नौकरी कर रहा है या कंपनियां का लाइसेंस का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए इन लोगों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए लोगों को निर्देश दिया है। अगर किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी किसी भी क्रिमिनल का सपोर्ट अगर करेंगे, उसको मदद करेंगे, या किसी रोड सेल के नाम पर अगर कोई क्रिमिनल अपना वर्चस्व के लिए किसी भी आउटसोर्सिंग के जगह पर अपना बदमाशी करेंगे, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए रिपोर्ट देने का निर्देश अभी बीसीसीएल वाला को दे दिया है। अलग से इन लोगों के ऊपर पुलिस भी कार्रवाई कर पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात हुई थी सर, जैसे कि बीसीसीएल का कहना है कि कुछ कुछ जगह पर इन लोगों का पेट्रोलिंग बढ़ाने का जरूरत है, लेकिन पुलिस का काम पूरा धनबाद में पेट्रोलिंग करना है, बीसीसीएल का भी अगर अलग से पेट्रोलिंग करने का जरूरत है तो इन लोगों के पास सीएसएफ तो है ही है, सीएसएफ अपना पेट्रोलिंग करेंगे और उसको सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा मदद करने के लिए हम लोगों का भी पेट्रोलिंग रहेगा।
अभी हम लोग इलेक्शन के चलते और जो दो तीन घटना जो घटा है उसी के चलते ऑलमोस्ट 700-800 लोगों का लिस्ट हम लोग धनबाद का बनाया हुआ है, जो हैबिचुअल क्रिमिनल है और बहुत गंभीर क्रिमिनल केसेस में जेल में जा चुका है या नाम FIR में आया है। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित किया, इन लोगों के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन भी कर रहे हैं और जिसके ऊपर 3 से अधिक केस है ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग CCA का भी प्रपोजल हम लोग तैयार कर रहे हैं। अभी आप लोग खुद देख रहा है जहाँ भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर इश्यू अभी हुआ है हम लोग FIR करके हम लोग अभी कड़क कार्रवाई की है, उसी के चलते अभी शांत है। अब ऐसे घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो उसी के लेके भी हम लोग अभी पहल कर रहे हैं। उसमें टोटल 3 FIR हुआ है, उसमें दोनों जो पक्ष अपने अपने खिलाफ जो लिख करके दिया है उस पर भी FIR हुआ, उसके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट जो हमारा वहाँ पे साथ में था उस मजिस्ट्रेट के बयान पर भी हम लोग FIR किया है। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में, मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़।